जय श्री राम। परम प्रिय सभी भाई बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू ईश्वर चैनल में पुनः स्वागत है। बरोसिया और रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय। एक जो है अपने दर्शक हैं जो कई बार उन्होंने कहा, गुरुजी सुंदर कांड का पाठ स्वयं अपने घर में हम कैसे करें। बंधुओं वही विधि में बताने जा रहा हूँ। कोई भी पूजा और अनुष्ठान हम करते हैं तो पहला प्रश्न आता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने दिनों तक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए में कि हमारे जीवन में कोई भी बाधा है, चाहे भूत प्रेत बाधा है, चाहे शत्रु बाधा है, अथवा धन बाधा है, अथवा राजकीय शासन से हमको प्रताड़ना मिल रही है, अथवा हमारा बरकत नहीं हो रहा है, सकल सुमंगल दायक जहां जहां से भी आपका कल्याण हो सकता है उन सारे जगहों से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर तज सकल आस भरोस गांव है, आप सारे लोगों का भरोसा छोड़ करके राम जी के जो प्रिय जो है दास हनुमान जी के भरोसा करते हुए आप अगर ये सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो निश्चित जो है आपकी जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी। चाहे वो धन की बाधा है, चाहे शत्रु बाधा है, चाहे राजकीय बाधा है, अथवा भूत प्रेत आदि बाधा है, अथवा घर में कलह है, किसी भी तरह का जो संकट है उसे तत्काल हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी। संकट बड़ा है, बहुत आपने प्रयत्न कर लिया नहीं हो रहा है तो कम से कम 40 मंगलवार आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। 41वें मंगलवार में आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। हाँ, आप शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की अढ़िया चल रही है और आपके अनुकूल शनिदेव नहीं है, शनि की दृष्टि आपके लिए सही नहीं है, अथवा किसी ज्योतिषी से भी विचार करें तो उत्तम है, पर सोच समझ के ज्योतिषी पकड़िएगा, नहीं तो स्वयं हमको अनुभव होता है कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, प्रयत्न करने के पश्चात भी हमको लाभ नहीं मिल रहा है और शनि की हमारी महादशा चल रही है, तो उस स्थिति में आप शनिवार को भी कर सकते हैं। पर मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलवार में उनका प्रेम पाने के लिए करना सर्वोत्तम रहेगा। और शनिवार मंगलवार में कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ, ऐसी परेशानी ज्यादा है तो शनिवार को भी किया, मंगलवार को भी किया, तो ऐसे भी करके आप 40 जो है 40 पाठ पूरा करके 41वें पाठ में छोटा सा हवन करा सकते हैं देसी घी के लड्डू से आचार्यों को बुला करके। अगर आप हवन इत्यादि नहीं करा सकते, नहीं बुला सकते किसी भी कारण से, बुलाना चाहिए तो आप जो है 125 ग्राम जैसा भगवान ने स्थिति दिया हो आप लड्डू का भोग लगा करके एक लंगोटा अथवा लाल कपड़ा किसी भी अच्छे मंदिर में ले जा करके वहां पे चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए और प्रसाद जो भी आपने अर्पण किया है थोड़ा थोड़ा सभी लोगों में बांट दीजिए और तो इसका कुछ अंश जो है आप अपने ले लीजिए। अब आता है कि इसकी विधि क्या है, तो मंगलवार का हमें व्रत रहना चाहिए। व्रत में यही बात आती है कि हमें नमक नहीं ग्रहण करना है, एक समय भोजन करना है और वो भी सूर्यास्त के पश्चात में। ये भी अगर हम नहीं करते हैं, ये नियम भी नहीं करते हैं तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भी हमारा परम कल्याण होगा। पर हाँ, लहसुन प्याज मांस मदरा कांदा कुंदरू बैगन इस सबका सेवन न करते हुए जो सबसे बड़ी सामग्री है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी कई तरह से होता है, जो पति पत्नी अथवा हमारा जो बाहरी संबंध है उसके अलावा भी मानसिक रूप से ना हो, हम विचारों में इतने हो रहे हैं। जैसे खिलाड़ी जो है हजारों पब्लिक के बीच में जब खेलने के लिए जाता है तो उसका पूरा ध्यान जो है बॉल पर होता है अथवा जो बॉलर है उसका उसको आउट करने में होता है सारे लोगों से हट करके। ऐसे हमारा ध्यान उस दिन स्पेशली कम से कम सारे विकारों को मन से हटा करके हनुमान जी में होना चाहिए, तभी हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब आता है कि हम कैसे करें, सुबह करें शाम को करें, भैया हो जब भी कीजिए, आनंद पूर्वक कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, हड़बड़ हड़बड़ मत कीजिए। पर किसी कारण से कभी हड़बड़ हड़बड़ भी करना पड़ गया तो कर लीजिए, नियम को तोड़िएगा नहीं। अब यह है कि अगर हनुमान जी की मूर्ति है उनको स्नान त्याग करा करके फिर उनको चंदन लगा करके उनको चंपा का फूल है वो चढ़ा करके मोगरा इत्यादि चढ़ा करके उनको जो है चना गुड़ अथवा बेसन का लड्डू
उनको अर्पण करके एक गिलास जल रख के उसमें तुलसी का पत्ता रख करके जो है उनकी आरती करके फिर बैठ के पाठ कर सकते हैं। अथवा वो मूर्ति नहीं तो ऐसे तस्वीरें, तो पोछा चंदन लगाया, भगवान को पोछने का कपड़ा अलग होना चाहिए। इसके बाद में मैं माला ले आया था ताकि सुंदर लगे, अच्छा लगे। सामान्य रूप से इससे बड़ा भी आप हर मंगलवार शनिवार को सजा सकते हैं, पर इससे छोटा भी रहा नहीं। एक भी फूल लाइए, वो फूल जो है बाजार का सबसे उत्तम फूल, अगर नहीं बजट है, नहीं कहीं रास्ते में मिल गया तो लेकर के आ जाइए, अवश्य चढ़ाइए। और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तुलसी का दल जो है इनको अवश्य अर्पण कीजिए। इसके बाद में लड्डू और जल में तुलसी का दल अर्पण करके और इनको पूरा पाठ सुनाना है। आप पूरब मुख बैठे अथवा पश्चिम मुख बैठना ये उचित रहेगा। घी का दिया अथवा तिल के तेल का दिया आप जला सकते हैं पाठ प्रारंभ होने के पहले। अगर किसी भी कारण से बच्चे हैं, जैसे उनके मन में हो तो हॉस्टल में है या कहीं बाहर है, विदेशों में है, उनके पास सुविधा नहीं है, तो बिना दिया जलाए ही भी आप पाठ कर सकते हैं। फोटो नहीं तो भी कोई बात नहीं, पुस्तक को ही भगवान का रूप मान करके इसमें पूरा राम दरबार विराजमान है और किनारे हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बैठे हैं, हल्का सा इनको जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया। आप विदेश में हैं, कहीं तुलसी का पत्ता नहीं मिला, फूल नहीं मिला, तो मन से सोच लीजिए कि हम भगवान आपको अर्पित कर रहे हैं। फिर जब कभी मंदिर जाइएगा, जहां मिलेगा वहां थोड़ा चढ़ा दीजिएगा, पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। अब विधि आती है कि हम पाठ कैसे करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि मूर्ति में है तो पहले उनका पूजा कर लिया उचित है, अगर मूर्ति नहीं तो तस्वीर में, फोटो में पूजा किया और भी अच्छी बात है, वो भी नहीं तो पुस्तक है, पुस्तक में हमने चंदन फूल चढ़ा दिया, अगर वो भी नहीं है तो मन से इनको प्रणाम कर लिया। पर हाँ, अब जब हम पाठ प्रारंभ करेंगे तो आसन के ऊपर हमें बैठना चाहिए, 3 बार हमें जल पीना चाहिए, और जैसे मैं बार बार इसीलिए बताता भी हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ऐसा आपने एक बार लिया ओम केशवाय नमः। अब यहाँ कई भक्त लोग राम जी का भी नाम लेते हैं, पर मैं उन्हीं मंत्रों को बोलता हूँ ताकि सब जगह चल सकता है और आपको याद भी हो जाए। दूसरा ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो करके आपने साइड में छोड़ दिया। इसके बाद आपका एक टॉवल अलग होना चाहिए, उससे आपने हाथ पोंछ लिया, ये रख दिया। अब हम इसके बाद में भगवान को प्रणाम कर लिया और हम पाठ प्रारंभ करेंगे। अगर कोई विशेष संकट है, बाधा, तो संकल्प ले लेना चाहिए। नहीं, प्रभु जो है हमारे मन को जानते हैं, संकल्प भी लेने की आवश्यकता नहीं है, वो जो आभ्यंतरिक संकल्प है वही उचित है, संकल्प में त्रुटियां हो सकती हैं। पर अगर कोई संकल्प लेना ही चाहता है तो जब मैं बोलूंगा चिंतित मनोरथ, वहां पे जब उंगली उठा दूंगा तो उस समय आपके मन में जो कामना होगी उस कामना को सोच लीजिएगा बस, बाकी सुनना है कुछ भी नहीं बोलना है और बाद में जल अर्पण कर देना है। जब भी आप पाठ करेंगे, ये वीडियो मेरा खोलेंगे और यहां से लेकर के संकल्प में आपको सुनना है और उसके बाद में जल छोड़ देना है। संकल्प में जल होता है, फिर चावल होता है, सुपारी होता है और द्रव्य होता है, कुशा होता है, और उन सारा डिटेल कुछ भी मत जाइए, नहीं उसी में उलझ जाएंगे। केवल जल लिया और श्रवण किया, मतलब सुना। ओम आद्य पूर्वोपचारित देव ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुकोऽहम् हनुम सहित श्री सीताराम चंद्रस्य दासानुदासोऽहम् अद्य अस्मिन् पावन दिने मम जीवने व्याप्त समस्त बाधा कष्ट दूरीकरणार्थम् विशेष रूपेण चिंतित मनोरथ परिपूर्ण अर्थम् अद्य भगवत समीपे गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस्य पंचम सोपान सुंदरकांडस्य पारायणम महम करिष्ये। ऐसा करके छोड़ दिया, गणेश जी को प्रणाम किया, ओम गंग गणपते नमः 11 बार उनके मंत्र का जाप कर लीजिए, क्योंकि वो जो है सुख करता है, दुख को और विघ्नों को हरने वाले हैं। अब इसके बाद में पाठ प्रारंभ करेंगे। आजकल अब यहाँ तक ये हो गया, गीता प्रेस में भी आ गया है कि ये जो पाठ है ना, पाठ कहाँ से प्रारंभ करें। अब पाठ जो है इसमें इन्होंने कृष्णकंधा कांड का जोड़ दिया है। अब यहाँ तक पहले गीता प्रेस की जो पुरानी प्रतियों में आप देखेंगे तो वहां पर जो है कृष्णकंधा कांड नहीं जुड़ा है, पर ये जो नई छपके आ रही है इसमें कृष्णकंधा कांड का भी जुड़ गया है। बाल बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सूतन बरन न जाए, लेकिन यहाँ ऊपर आप क्या देखिए कृष्णकंधा कांड लिखा हुआ है।
ठीक है। और आप पाठ क्या करने जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, तो दो मिनट के लिए मैं बोलूंगा, अभी आपसे बताऊंगा, बताना बहुत आवश्यक है। जब हम श्री रामचरित मानस के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करने के लिए जा रहे हैं, उसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो जब उन्होंने सुंदरकांड यहां से प्रारंभ किया, तो हम कौन होते हैं कृष्णदा कांड से प्रारंभ करने वाले, वो वाल्मीकि रामायण अथवा कई अन्य रामायण में वहां से है। तो जब हम उन रामायण में, वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायण में, जिस रामायण में सुंदरकांड वहां से प्रारंभ है, हम वहां पर उस प्रकार से करेंगे। पर जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राम जी के परम प्रिय भक्त थे, जिनके हाथों से लिखे गए श्री रामचरित मानस के ऊपर में वाराणसी में भगवान स्वयं शिव जी आकर के अपना हस्ताक्षर साइन करके गए कि ये सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है, ऐसा शिव जी जो है लिख करके गए हैं, तो ये प्रमाणिक हो गया। तो गोस्वामी जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ का हम पाठ कर रहे हैं और हम जो है अपने मन से कृष्णदा कांड से प्रारंभ करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि गोस्वामी जी जो है अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था, यहां से लिखना चाहिए, तो वो दोष लगता है। पाठ करने में कोई हर्ज नहीं, दो मिनट ही लगेगा, चार दुहा हम और पढ़ लेंगे, पर वो उचित नहीं है। जहां से प्रारंभ होता है और जहां से इस विधा का प्रारंभ है, वहीं पर ये माना जाएगा। वह रेल का गाड़ी वही है, किराया वही लगता है, पिछले स्टेशन से भी है और इस स्टेशन से भी है, पर आपका टिकट अगर इसी स्टेशन से है तो आप पिछले स्टेशन से नहीं बैठ सकते हैं, जबकि जो डेस्टिनेशन है जहां आपको पहुंचना है, दोनों जगह का किराया सेम है, पर आपने टिकट यहां से लिया है। एरोप्लेन का नियम जो है ट्रेन में लागू नहीं होता, ट्रेन का नियम एरोप्लेन में लागू नहीं होता, सबका नियम अपना अलग अलग है। तो जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो जहां से उन्होंने प्रारंभ किया है वहीं से करना उचित होगा, नहीं तो हमको पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था, उनको वहां से लिखना चाहिए था, तो ये अपराध हमें, इस अपराध से बचना चाहिए। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत का आशय है। कई अच्छे आचार्यों से भी हमने इस पर चर्चा किया, सब लोगों ने कहा कि आपका ये जो भाव है बहुत उत्तम है। तो मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप वैसे पढ़िए, पर आप जब अनुष्ठान के रूप में अथवा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको पाठ यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। शुद्ध सुंदरकांड का पाठ भी समय पाकर के मैं अपने इस चैनल पे डाउनलोड कर दूंगा। उस समय इस लिंक को आप जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा प्राप्त हो जाएगा। अभी संभवतः 1 से 2 महीना लग जाएगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बनाने में। तो उस समय जब इस लिंक को आप टच करेंगे तो वो सुंदरकांड का मूल पाठ, जिसको देख करके आप शब्दों को समझ पाएंगे और सुन करके उसको करेक्ट आप उच्चारण सहन कर पाएंगे, वो मैं प्रयत्न कर दूंगा। अभी आता है कि जो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस सुंदरकांड पंचम सोपान, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुपणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणि। इस तरह से यहाँ से प्रारंभ होकर के जब हम यहाँ पर आ जाएंगे जामवंत के वचन स्वर, तो यहाँ पर कई बार जो है अलग अलग कामनाओं के लिए संपुटित लगाया जाता है, मंगल भवन अमंगलहारी बहुत लोग लगाते हैं, तो लेकिन वो एक ही बार लगाते हैं, लेकिन हमको डबल लगाना चाहिए। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर छो तुम भाए, सहि दुख कंद मूल फल खाए। यहाँ से उतरते जब आप यहाँ आ जाओगे, तय मय नाग होए श्रम हारी, फिर मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, हनुमान ते पर सा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी दमो सुदशरथ अजय बिहारी, जात पवन सुदेव। फिर यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे, मतलब 2 बार बोलना है। पर मेरा अपना निवेदन तो यह रहता है कि
ये सबसे अच्छा, क्योंकि राम नाम से प्रिय हनुमान जी महाराज जी को कुछ भी नहीं दो, श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सीताराम 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 जो भी राम 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 राम, तो राम के नाम से संपुट लगाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। पाठ ना बहुत स्लो करना चाहिए, ना बहुत तेजी से, बिल्कुल जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से करना चाहिए। तीसरी बात, अभी तो और विकृति आ गई पाठ के अंदर में, सोहर उलारा और पता नहीं क्या फिल्मों के गाने सब उसी में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या छंद भंग हो जाता है और जो है दोष लगता है, पाठ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको खींचना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। जैसे ये है ना कि जात पवन सुत देवन देखा राम हो रामा, ऐसा मुझे तो ज्यादा आता नहीं, लोग इसी में सोहर भी गाते हैं। बंधु शुद्धता का, पवित्रता का, विनम्रता का हमको इनके आगे जो है निवेदन करना है। वैसे भी हम खुशी के मारे भी करें तो भी हमें जो है जो विशुद्ध उच्चारण की विधि है या जिसमें ये खंडित नहीं होंगे, भंग नहीं होंगे, उन्हीं लय को लेना चाहिए, अनर्गल नहीं करना चाहिए। जब पाठ पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में उठने के पहले हाथ में जल लेकर के, हे हनुमान जी महाराज ये जो पाठ आपने कराया है अथवा हमने किया है वो आपके जो है चरणों में अर्पित हो, ऐसा करके जल छोड़ दिए। अगर आप हम राम जी के विशेष भक्त हैं तो राम जी आपके चरणों में अर्पित हो, हनुमान जी को बता दीजिएगा। फिर शक्रायण ऐसा जब भी उठे आसन के नीचे ये जल गिरा करके माथे में लगा लीजिए। अगर आप चेयर पर बैठ के कर रहे हैं तो चेयर पर भी कर सकते हैं, वो नीचे आसन बिछा लीजिए कुर्सी के ऊपर में, और एक आसन जो है पैर के नीचे अवश्य रहना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए, और उसके नीचे वाले आसन के नीचे एक बूंद जल गिरा करके माथे में लगा लीजिएगा। शक्रायण फिर आरती करके और प्रदक्षिणा इत्यादि करके प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो ये विधि हो गई आपकी सुंदरकांड की। आपस में परिवार को बढ़ाइए, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, उचित चैनल है उचित जगह है तो आपस में लोगों को बताइए, जरा शेयर वगैरह कीजिए। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप यूट्यूब पर ही पूछिएगा, व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। हर वीडियो के लिए इंस्टाग्राम का लिंक है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, राम बोले।